गुरु लोग, हमें एवेंजर्स की पहली पैरोडी मूवी मिलने वाली है, जो कि भाई थोड़ी सी अच्छी बात है, क्योंकि अभी ये बात सुनने में आ रही है कि टीन टाइटंस डीसीयू की पहली सुपर हीरो टीम अप असेंबल मूवी होगी, जस्टिस लीग से भी पहले। पर इस न्यूज को ओवरशैडो कर दिया मॉन्स्टर्स असेंबल मूवी की न्यूज ने, क्योंकि भाई विनी द पू ब्लड एंड हनी पार्ट 2 के साथ इसके यूनिवर्स को इसके मेकर्स ने पूरा भाई टाइमलाइन रिलीज कर दिया, जहां पे भाई जिन लोगों को नहीं पता तो बता दूं, ये हॉलीवुड की बी ग्रेड मूवीज की पूरी एक अलग ही फ्रेंचाइज है, जहां पे ट्विस्टेड चाइल्डहुड कैरेक्टर्स का इन्होंने बहुत ही फक्ड अप यूनिवर्स आया हुआ है, जिनमें अभी दो पू की मूवीज तो आ ही चुकी हैं, लेकिन अभी आगे आने वाली है बैम्बी, पीटर पैन, पिनोकियो, जिसके बाद इन सब का एक टीम अप मूवी रिलीज किया जाएगा पूनीवर्स मॉन्स्टर्स असेंबल्स नाम से। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है चलने का कि भाई इतनी बेकार रेटिंग्स होने के बावजूद भी और बहुत ही कम छोटे बजट में बनने के बावजूद भी इसकी पिक्चरें मिलियंस कमा लेती हैं, क्योंकि भाई लोगों को देखना पसंद है। तो मे बी जिस दिन मार्वल एंड डीसी के सुपर हीरोज के कैरेक्टर्स पब्लिक डोमेन में चले जाएंगे, तो ये सुपर हीरोज की भी हॉरर पैरोडी मूवीज बनाने लगेंगे।